तो हेलो गाइस, सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शैलेश और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा गंभीर टॉपिक पर है। मुझे कमेंट्स आया था, पहले मैं आपको वो कमेंट्स दिखाता हूं। तो दोस्तों ये वही कमेंट्स है जो कि मुझे उन भाई साहब का नाम नहीं पता, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि अरे भाई सेटिंग चल रही है मेडिकल में कैसे चलती है, इस पर एक वीडियो बना दो भाई। किसी को फाइनल फेल नहीं किया करते हैं मेडिकल में, डॉक्टर को पैसे देना पड़ता है। तो ये कमेंट्स आया था। तो दोस्तों इस कमेंट्स को पढ़ने के बाद मेरे मन में एकदम से ऐसा ख्याल आ गया कि हाँ इस टॉपिक पर तो वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो आपके भी मन में ऐसा कोई नया टॉपिक है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ओके, तो आज के इस कमेंट का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो क्या पैसे देकर मेडिकल पास कराया जाता है, इस बात की पूरी सच्चाई हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली तो जो बिचौलिया होते हैं, मतलब जो पैसे लेकर हमसे हमारा काम करवा देते हैं, मतलब जॉब पे भी लगा देते हैं। हमने ऐसा बहुत बार सुना है कि हमारा कोई फ्रेंड है जिसका सिलेक्शन हो गया 1 लाख देकर, 50,000 देकर, 2 लाख देकर, ऐसा सुना है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमने जो उनका सिलेक्शन हुआ है वो भी बताते हैं कि मैंने 1 लाख दिया था, 2 लाख दिया था, ऐसा बहुत सुना है। मैंने खुद भी सुना है ऐसा। तो देखिए ये जो बिचौलिया होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक वो जो पैसे खा के भाग जाते हैं और दूसरा वो जो कि खुद, मतलब समझ लीजिए कर अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी के कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कुछ मतलब इतना थोड़ा लेन देन करके वो आप एक सेटिंग वगैरह करा देते हैं, ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन वो बेसिकली वो खुद भी वो जॉब आर्मी में जॉब वगैरह के लिए रहते तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। और वो मिलना, मतलब वो आर्मी ऑफिसर मिलना बहुत ही कम होता है, मतलब 10 में से सिर्फ एक ही होता है वो, और वो भी थोड़ा अपना जॉब की तरह से वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन मेरे ओपिनियन से अगर मैं कहूँ तो वो जो आपको अगर ऐसा कोई मिल जाए कि वो बोलता है कि मैं आर्मी में हूँ ऐसा हूँ, तो उसका आई कार्ड ज़रूर देखना कि वो उसका मतलब वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका कुछ प्रूफ ज़रूर देखना। देखिए बेसिकली क्या होता है कि वो हमसे ज़्यादा से पहले 2,000, 3,000, 5,000 तक पहले लेता है, उसके बाद बोलता है कि हम आपका मेडिकल हो या सिलेक्शन हो वो आपका करा देंगे, उसके बाद ही हम आपको आपसे पैसे लेंगे। ओके, इतना मतलब इतना गारंटी देते हैं हमें कि हम एकदम मतलब उनसे पूरा प्रभावित हो जाते हैं, हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि पैसा तब देना जब आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, वो पहले से आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 तक ही लेंगे, क्योंकि पहले अगर आपसे ज़्यादा पैसे ले लेंगे तो आपको भी उन पर भरोसा नहीं होगा। वो ऐसा ही बोलते कि आपका सिलेक्शन हो जाए तब पैसे देना। ओके, तो इस बात की सच्चाई आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक जो बिचौलिया होता है जो आपके पैसे खाकर भाग जाता है, वो क्या करता है आपसे पहले 5-10 हज़ार रुपये ले लेता है, उसका कोई सेटिंग वगैरह कुछ नहीं रहता है। ओके, वो क्या करता है जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसने कम से कम पहले, मतलब सिलेक्शन से पहले कम से कम आपकी तरह ही 100 बच्चे, 50 बच्चे, 20 बच्चे, सब कुछ ना कुछ बच्चों से उसने पैसे खाए होते हैं। ओके, तो क्या होता है देखिए, अगर उसने समझ लीजिए उन 5-5 हज़ार करके उसने 20 बच्चों से भी 5-5 हज़ार रुपये खाए, तो 20 बच्चों में से अगर 5 का भी सिलेक्शन हो गया ना तो उसका काम हो गया। वो क्या करता है, उसका कुछ नहीं होता है, वो कुछ काम नहीं करता, वो कुछ सेटिंग वगैरह कुछ नहीं करता। आप अपनी मेहनत पर, अपने दम पर लगते हो। ओके, मैं उस बच्चे लोग की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब उसका कोई सेटिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। एक होता है वो जिसका सेटिंग वगैरह होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ओके, ये पहले वाला जिसकी कुछ सेटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, इसने अगर 20 बच्चों को पकड़ा है तो 20 में से कम 5 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, और वो उनसे पहले तो 5,000 लिए ही होते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। ये उसको बोलता है 5 को कि चलो मैंने तुम्हारा काम करा दिया, अब मेरे जो 1 लाख 2 लाख जो भी है वो मुझे दे दो, अब उसके बाद बच्चे दे देते हैं। लेकिन बच्चे जो 15 बच्चे उनको क्या करता है वो, उनको बोलता है कि इस बार आपकी सेटिंग नहीं हो पाई है, ओके उस अगली बार देखना, अगली बार प्रेस करना, आपका 100% मैं करा दूंगा, ऐसा वगैरह उनको बोल देता है। और आपकी जो सेटिंग लगाई थी उसने उसके वो 5,000 रख लेता है और आपको बोल देता है कि आपका नहीं हो पाया, आप जाओ घर, भगा देता है। ओके, ये ऐसा ही होता है। दूसरी बात, अब वो बिचौलिया खुद वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपका काम करने के लिए एकदम मतलब खुद भी उसने बोला है कि मैं आर्मी में हूँ, वो पूरा प्रूफ दिखाता है, अपना आई कार्ड दिखाता है वगैरह वगैरह, ओके सब कुछ दिखाता है, और उसके बाद हमें थोड़ा यकीन हो जाता है तो वो बोलता है कि इतना पैसा लगेगा, मेरा बड़े साहब है उनसे बात कर लूँगा, ऐसा वगैरह वगैरह वो हमें प्रूफ देता है। लेकिन दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं चलता, ऐसा चलता है। ओके,
मतलब लेकिन इतना भी नहीं चलता, लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना भी ख़राब नहीं है दोस्तों, आप मेरी बात पर यकीन करो। ओके, ये जो एसएससी जीडी के जो भर्ती वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ओके, आपको पता है रिटर्न किसने कराया? एसएससी ने कराया। ओके, आपको पता है एसएससी ने रिटर्न कराया है, लेकिन फिजिकल कौन करा रहा है? सीआरपीएफ। तो देखिए, अगर आपका कोई बिचौलिया था जिसने आपको रिटर्न पास करा दिया, ओके, उसने बोला होगा अगर आपने रिटर्न पास किया है, कोई बिचौलिया को पैसा देगा तो एसएससी को पैसा देकर आपने तो रिटर्न पास कर लिया, लेकिन उसका सेटिंग तो एसएससी के पास था ना, सीआरपीएफ पास तो नहीं, तो फिजिकल कौन पास कराएगा? मतलब ये ऐसा है कि एसएससी ने पहले ही सब कुछ प्लानिंग करके रखा है, इनका जो फिजिकल है वो कोई और कराता है, मेडिकल कोई और कराता है, ओके, रिटर्न ही कोई कराता है, सिलेक्शन कोई और कराता है, तो यहाँ पे सेटिंग एक आदमी कितनी जगह कराएगा, उसका कितना जगह सेटिंग होगा, कितनी जगह सेटिंग होगा? ओके, तो देखिए, अगर आप पैसे देकर वगैरह कुछ सिलेक्शन भी करवा लेते हैं ना, और अगर एसएससी को भनक भी लगी ना, आपको ट्रेनिंग से भी भगा सकते हैं। ट्रेनिंग क्या, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप जॉब पे शुरू भी हो जाते हो, साल दो साल पाँच साल बाद भी पता चलता है ना, तो आपको भगा देंगे, ऐसा होता है। ठीक है, उनको बिल्कुल मतलब एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि एकदम अपने दम पर, एकदम अपनी मेहनत पर सिलेक्शन हुआ है, उसका एक पॉइंट भी उनको मतलब ऐसा शक नहीं पैदा होना चाहिए कि हाँ ये बंदा पैसे देकर आया है, ये इसने कुछ गलत किया है गवर्नमेंट के साथ, एसएससी के साथ। ओके, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्या होता है, जो मतलब कलर विज़न का प्रॉब्लम होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, नॉकनी का प्रॉब्लम होता है, फ्लैट फुट का प्रॉब्लम होता है, कम सुनाई देने का प्रॉब्लम होता है, ये जो प्रॉब्लम होती है ये सॉल्व ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम केस में ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नौकनी के प्रॉब्लम के लिए बहुत से ऐसे एक्सरसाइज है जिसके एक महीने से ज़्यादा टाइम लगता है, तब नौकनी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, फ्लैट फुट का प्रॉब्लम ऐसा है कि मतलब पैर में गड्ढा बनाना, मतलब कोई हथौड़े से हम ठुकवा लेंगे फिर वहाँ पर गड्ढा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं ना, टाइम लगेगा, हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। दूसरा है कलर विज़न का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। मैंने ऑफिशियली मैं डॉक्टर से मिला, उनसे पूछा कि सर कलर विज़न का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बता दिया कि 1 लाख भी दोगे या 2 लाख भी दोगे तब भी कलर विज़न का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, आपको जितना दिख रहा है ना उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला था। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो आप कुछ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो जहाँ पे मेडिकल नहीं होता है, फिजिकल नहीं होता है, ऐसा दूसरा कोई मतलब बहुत सारी ऐसी वैकेंसी एसएससी एमटीएस की देख लो आप, ये उस पर कोई वहाँ पे कोई फिजिकल और मेडिकल वगैरह नहीं होता है। ओके, अगर होता भी होगा तो एकदम नॉर्मल। ओके, आप ऐसी तैयारी करो जहाँ पे मेडिकल वगैरह नहीं होता है, लेकिन ऐसे पैसा देकर, मतलब मेरा एक कहना है आप लोगों को, अपने माँ बाप के पैसे देकर आप जॉब पे लगोगे ना तो कुछ काम करेंगे, अपने खुद के दम पे लगो यार, खुद के दम पे, हमें क्या काबिलियत है ना वो दिखाओ, अपने खुद के दम पर लगो, चाहे 1 साल में जॉब मिले या 5 साल में मिले, लेकिन अपने खुद के दम पर। आपने रिटर्न अपने दम पे निकाला है, फिजिकल अपने दम पे निकाला है, तो आप मेडिकल भी अपने दम पे निकाल सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस रहो। और हाँ, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से ओके, अगर आपको देना ही है तो आप दे सकते हो, मेरा कोई मतलब, मेरा घर से कुछ जाने नहीं वाला है, मेरे जेब से कुछ जाने नहीं वाला है। ओके, आपने अगर ऐसा कुछ किया है, आपको कुछ देना है किसी को, तो आप दे सकते हो, लेकिन वो 100% आपका पैसा डूबेगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम केसेस में होता है जिनका सिलेक्शन हो जाता है, और वो भी अपने दम पे ही लगते हैं यार, मतलब उनको पैसे दे देते हैं वो लोग, उनको ऐसा लगता है कि इसने कराया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो खुद अपने दम पे ही लगा होता है। तो मेरे हिसाब से किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भी बंदा आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। ओके, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मुझे मालूम है कि बहुत सारे भाइयों को मेरी बात पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हो अगर किसी को देना है तो। ओके, मैं ऐसे कोई बिचौलियों को जानता भी नहीं हूँ, और मेरे पास कोई नंबर वगैरह भी नहीं है। ओके, नहीं तो आप कमेंट्स में बोलोगे कि मुझे वो बिचौले का नंबर चाहिए मेरे पास कोई नंबर वगैरह नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी, आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन से आप अपने दम पे लगो, अपने दम पे जॉब करो। ओके, आप देश सेवा करने जा रहे हो तो ऐसा पैसे देकर मत जाओ, एकदम अपने दम पे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा आपका नसीब की बात है, अगर आपके नसीब में नौकरी है ना तो भगवान भी रोक नहीं सकता, अगर आपके नसीब में नौकरी नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, इतना बता सकता हूँ। तो पैसे देकर मेडिकल पास कराया जा सकता है,
ओके बिल्कुल कराया जा सकता है, लेकिन आपको आगे प्रॉब्लम होगी, इसका गारंटी मैं 100% आपको दे सकता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।